हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमको डॉक्टर से पूछने चाहिए जब हम उनसे मिलने जाते हैं अपनी विजिट के लिए। सो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ एंड ये सिर्फ एक पेशेंट का पर्सपेक्टिव मैं इधर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मेरे से पूछते हैं कि प्रशांत, हमारी डॉक्टर की विजिट है और हमें कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए। सो हेयर इज अ कंप्लीट लिस्ट दैट यू शुड आस्क व्हेन यू गो एंड विजिट योर डॉक्टर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसमें नए नए वीडियोस डालते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सो नंबर वन क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए वो ये है कि व्हाट इज माय लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अभी मुझे किस ट्रीटमेंट पे डाला जा रहा है। यूजली जब आपको ऑटोइम्यून कंडीशन होती है तो आपकी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है जिसमें आपका जो मेडिकेशन है वो बदलती रहती है। आपको सिंपल डोजेस पे शुरू करते हैं सिंपल मेडिकेशन के साथ, और जब आप उसका इफेक्ट बंद हो जाता है तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन पे डालते हैं, और फिर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन पे डाला जाता है। तो आपको लाइन ऑफ ये पूरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझनी ज़रूरी है। आपको उस समय क्या हो रहा है उसकी मेडिकेशन लेना तो ठीक है, मगर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये इस पूरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो यूजली आपकी जो मेडिकेशन होगी वो स्टार्ट होगी सिंपल पेन किलर से, उसके बाद आपको डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स दिए जाते हैं, डीमार्ट्स दिए जाते हैं, एंड देन यू विल गेट बायोलॉजिक्स। एंड इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज आपको आपकी जो मेडिकेशन है वो बहुत तरह तरह की होती है। ओके, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिकेशन आर देयर, सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है कि वॉट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सेकेंडली, क्या कुछ नए ड्रग्स हैं जो आप ट्राई करना चाहोगे। सो आप डॉक्टर से ये ज़रूर पूछें कि मेडिकल साइंस हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और कुछ नए ड्रग्स आए हैं क्या जो जो मार्केट में अच्छे हों, शायद महंगे हो सकते हैं, मगर उसकी कॉस्ट भी पूछें और उसकी इफेक्टिवनेस भी पूछें। और नए नए ड्रग्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप स्विच कर सकें। थर्ड क्वेश्चन जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिकेशन पे हैं, जैसे हार्ट की मेडिकेशन, कोलेस्ट्रॉल या बीपी की मेडिकेशन ऑलरेडी आपकी चल रही हो, जो कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होती है, वो आपकी इस नई ड्रग के साथ इंटरफेयर तो नहीं करेगा। सो एनी इंटरैक्शंस बिटवीन टू ड्रग्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड। सो अगर दो दो ड्रग्स आप ले रहे हैं तो उनके बीच की इंटरेक्शन आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि हाउ गुड आर माई जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स की अभी हालत कैसी है, कितना डिटोरिएशन हो गया है। एंड आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या मैं रेमिशन में जा सकता हूँ, और रेमिशन में जाने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। सो रीजनरेशन पे भी फोकस करें। यूजली मेडिकल साइंस सिर्फ डीजनरेशन पे फोकस करता है, और रीजनरेशन के लिए आपको इगोस्क्यू, मेडिटेशन, नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट पे फोकस करना ज़रूरी होगा, मगर आप डॉक्टर से इसके बारे में बात ज़रूर करें कि क्या हम रीजनरेट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि क्या इस ड्रग का मेरे आईज से या फिर मेरे हार्ट से या फिर मेरे लीवर या किडनीज पे इफेक्ट तो नहीं होगा। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द हेल्थ ऑफ योर लीवर, किडनी, हार्ट एंड ऑल्सो बिकॉज दीज आर द मेजर ऑर्गन्स जो आपको इफेक्ट करेंगी। ओके, सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द हेल्थ ऑफ योर लीवर, व्हाट इज द हेल्थ ऑफ योर किडनीज। सो LFTs, KFTs ये सब कराने ज़रूरी हैं। आपकी आईज का भी आप पता करें और स्किन का भी पता करें, क्योंकि स्किन में सोरासिस होता है, तो ये सारे ही चीज़ें जब एक अंडरलाइंग ऑटोइम्यून कंडीशन होती है तो आपको इफेक्ट करती हैं, तो ये भी आप जानना ज़रूरी है आपको। सो नेक्स्ट यू शुड आस्क इज हाउ इज़ माई आई हेल्थ। ओके, और हाउ इज़ माई स्किन, क्या मेरे इस दवाई से मेरे को स्किन पे इफेक्ट हो सकता है, या आई हेल्थ आईज में इफेक्ट हो सकता है, या उसके लिए मुझे सेपरेटली दवाई लेनी चाहिए, या फिर अबाउट योर लिवर और योर किडनीज और योर हार्ट। बिकॉज नॉर्मली जब आपको अंडरलाइंग ऑटो इम्यून कंडीशन होती है तो आपको ओवरऑल बॉडी में ही कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछने बहुत ज़रूरी हैं। द सिक्स क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज कि अगर ये दवाई मेरे को इफेक्ट दिखाना बंद कर दे तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। सो यूजली जब आप दवाइयाँ काफ़ी लंबे अरसे के लिए लेते हैं तो अपना वो इफेक्ट दिखाना बंद कर देती हैं, तो उस समय आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ पे स्विच करूँ, कौन सी ऐसी मेडिकेशन लूँ जिसमें मैं स्विच कर सकता हूँ, या फिर मेरे ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ये आपको डॉक्टर बड़े बड़े ही अच्छे से समझाएंगे, तो ये भी आप उनसे पूछिए कि व्हाट आर माय ऑप्शंस। ओके, द सेवेंथ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज कि इन दवाइयों का मेरे पे कुछ रिएक्शन होगा या नहीं।
सी देखिए, अगर कोई भी आप मेडिकेशन लंबे अरसे तक लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन रहता है, ओके, बट हमको यही समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर का इसमें क्या क्या उनकी राय है और उन्होंने क्या देखा है उस ड्रग से, क्योंकि वो काफ़ी पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड दे कैन डेफिनेटली टेल यू कि इस ड्रग में कितनी रिएक्शन है, कितनी नहीं है और किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये आप ज़रूर जानिए उनसे। एट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज़ व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट इन फ्यूचर विद दिस ड्रग। ओके, सो अगर मैं एक नई मेडिकेशन लेता हूँ तो या लेती हूँ तो आगे चल के मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये कितनी जल्दी मुझे अफेक्ट करेगा, हफ्ते में करेगा, 10 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, या फिर एक उस जब हम कोई नई मेडिकेशन अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका लोडिंग होता है, तो क्या इस दवाई की लोडिंग पीरियड होगी जिसमें पहले डोज बढ़ाई जाएगी फिर डोज को एक नॉर्मलाइज किया जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए कि क्या इसकी लोडिंग होगी। एक महीना, कहीं कहीं दवाइयों को इफेक्ट आने में महीना भर लग जाता है बॉडी को स्टेबलाइज होने में, सो क्या मुझे बहुत टाइम लगेगा स्टेबल होने में, सो ये भी आपको पूछना जरूरी है। द नाइन्थ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज कि क्या मेरे को किसी भी टाइम पर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं। सो नॉर्मली फिर डॉक्टर आपको क्लियरली बता पाएंगे कि यस सर्जरी से कोई ऑप्शन है या नहीं है या इसको कब करना चाहिए। एंड द टेंथ एंड फाइनल क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज कि व्हाट इज द वे इन विच आई कैन कीप माई लिवर एंड किडनी हेल्थी। तो आपको किस ढंग से अपना लिवर और किडनी का हेल्थ बना के रखना है, क्योंकि जब आप इतनी मेडिकेशन लेते हैं और लंबे अरसे तक लेते हैं तो आपके लिवर पे किडनीज पे इफेक्ट आ सकता है, तो उसकी हेल्थ कैसे बनाएं ये आपको डॉक्टर से भी पूछना चाहिए। एंड इनफैक्ट मैंने इस बाकी वीडियोस भी बनाए हैं कि इसको मैं आपको कैसे अपनी लिवर को इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसके लिए आप फ्रूट्स खाइए, जूसेस स्मूदीज पीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, तो ये भी आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ओके, सो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको रियली हेल्प करें। सो वंस अगेन अ रिकैप, व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सेकेंडली क्या ये कोई नया ड्रग है या फिर आपके पास कौन से नए ड्रग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई दो ड्रग्स ऑलरेडी ले रहे हो पहले से तो ये नया इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे कोई इंटरफेरेंस तो नहीं हो रही। फोर्थ, आपकी जॉइंट हेल्थ कैसी है। फिफ्थ, आपके आईज और स्किन पे या फिर आपकी लीवर एंड किडनी पे कोई असर तो नहीं हो रहा है तो उसके बारे में कैसे आपको मैनेज करना चाहिए। सिक्स्थ, अगर ये मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखाना बंद कर दें तो व्हाट आर योर ऑप्शंस। सिक्स्थ, सेवन्थ, इस मेडिकेशन के रिएक्शंस के बारे में पूछें। एट्थ, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, आगे चल के क्या होगा और ये ड्रग कितनी जल्दी आपको इफेक्ट करेगा, ये भी आप पूछें। नाइन्थ, डू यू नीड एनी सर्जरीज, और अगर ऐसी सर्जरी होगी तो किस टाइप की सर्जरी होगी, कितना लंबा उसकी रिकवरी पीरियड हो सकती है, ये पूछें। एंड टेंथ, ऑलवेज गो वेल प्रिपेयर्ड, और लिख के जाएं अपने क्वेश्चंस को, ओके, एंड गेट देम आंसर्ड। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे को बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाट शुड आई आस्क माय डॉक्टर, आई एम गोइंग फॉर ए मीटिंग। सो आई होप ये वीडियो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में मदद करे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप ब्रीदिंग डीप एंड कीप मूविंग। ऑल द बेस्ट।